वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को गलत बताया है। कोर्ट ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े नेताओं का एक माह का वेतन और पेंशन रोकने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कितने संघ हड़ताल में शामिल थे। बिजली कर्मियों की हड़ताल से राजस्व के नुकसान की जानकारी भी कोर्ट ने मांगी है। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस एसडी सिंह की डिवीजन बेंच ने कहा कि हड़ताल एक गलत कदम था, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि हड़ताल को लेकर कितने बिजली कर्मियों पर केस दर्ज हुआ है और उन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। पिछली सुनवाई पर सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 600 बिजली कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया था कि इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई। अब सरकार को हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को जवाब देना होगा। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि बिजली कर्मियों और सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहना चाहिए। इस मामले में 24 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इन दिनों यूपी समेत देश भर में इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर एहतियात बरतना जरूरी है। बीते कुछ दिनों में ये वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। देश भर में इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हाल ही में उन्नाव में भी 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है इन्फ्लुएंजा से संक्रमित ये मरीज बिछिया और सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, जिनका सैंपल 18 मार्च को लखनऊ भेजा गया था। अब दोनों मरीजों के घर पर दवा का छिड़काव हुआ है। आपको बता दें कि इस वायरस के लक्षण भी कुछ कोविड की तरह है। ठंड लगना, बुखार होना, गले में खराश, उल्टी, मौसम के बदलाव से फैलता है। रोकथाम ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाथों को सैनिटाइज करते रहें, भीड़ से बचें, दूसरे लोगों से दूरी बनाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, चेहरे और नाक को छूने से बचें। जानकारों की माने तो ये वायरस सामान्य परिस्थितियों में जानलेवा नहीं है, जबकि इसका असर आमतौर पर लगभग 5 से 7 दिन तक रहता है। धीरे धीरे बुखार और खांसी में आराम मिलने लगता है। हालांकि फायदा न मिलने पर डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। माना जा रहा है कि ये वायरस बुजुर्गों और बच्चों पर असर जल्द दिखाता है। और चलिए अब बात करते हैं आगे। अगले महीने से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन खराब मौसम ने प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है। रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर टूटने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लगातार केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। दरअसल कुछ वक्त पहले हुई बर्फबारी से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई थी और ग्लेशियर को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। कुछ दिनों से मौसम खराब होने की वजह से लगातार बर्फबारी हो रही थी और जैसी हमें विंडो मिलती है, हमारे जो वहाँ पे श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जो वर्किंग एजेंसीज हैं, उनके द्वारा लगातार जो ट्रैक मार्ग है उसको खोलने का कार्य भी किया जा रहा है। लगातार खराब हो रहे मौसम के बीच प्रशासन के सामने यात्रा की तैयारियां चुनौती बन गई है। 1 अप्रैल तक बर्फ हटाकर पैदल मार्ग पर आवाजाही कराने की कोशिश जारी है। बर्फ हटाने के अलावा पैदल मार्ग पर क्षतिग्रस्त जगहों की मरम्मत भी कराई जानी है, साथ ही श्रद्धालुओं को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं करने की भी तैयारी है। 4-5 दिन से जो भारी बर्फबारी हुई उसे थोड़ी गति स्लो हुई है कार्य की, परंतु जैसे अभी आने वाले समय में अप्रैल फर्स्ट वीक में भी अगर हमें अच्छा मौसम मिल जाता है तो हम सभी कार्य शुरू कर देंगे। दरअसल 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू होगी, जबकि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।